हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय है जो आपको आज यानी कि शनिवार है और ज्येष्ठ महीने का पहला दिन है तो शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है, यानी कि प्रदोष काल में आप इस उपाय को कर सकती हैं। इसको करने से आपके घर की धन संपदा में जो कमी आ रही है वो दूर हो जाएगी और आपके घर में शनिदेव को लेकर जो भी परेशानियां हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। कम शब्दों में आप लोगों के साथ उपाय को शेयर करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है धन संपदा में कमी आ रही है, घर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते रहते हैं, तो शनिदेव की कोई दृष्टि आपके घर में पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा कंगाली आपके घर में आती जा रही है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। इससे क्या होगा, शनि दोष खत्म हो जाएगा और जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान रहे, साफ स्वच्छ पीपल का पत्ता लेंगे और कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है कि खंडित नहीं होना चाहिए। और पीपल से आप जो पत्ता लेकर आ रहे हैं, अगर नीचे ही पीपल के टूटा हुआ पत्ता मिलता है तो उसको ही आप ले सकते हैं, परंतु जो पत्ता तोड़ते समय नाखूनों का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नाखूनों का प्रयोग करके तोड़ते हैं, तो गुरुजी कहते हैं फूल पत्ती जो भी तोड़ें तो कभी नाखून नहीं लगाने चाहिए। इस तरीके से आपको पत्ता तोड़ लेना है और फिर उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और इस पत्ते को आप गंगा जल से साफ स्वच्छ कर लेंगे। थोड़ा सा किसी भी पात्र में कच्चा दूध लेंगे, यानी एक लोटा जल भरेंगे और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डाल लेना है और थोड़े से काले तिल लेने हैं, यानी 11 काले तिल आपको ले लेने हैं। और शाम के समय सूर्य अस्त से पूर्व आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, यानी कि करीब आपको 6 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। जब भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो अपने सीधे हाथ पर जो 11 काले तिल हैं उनको रखें और उन 11 काले तिलों को उस पात्र में डाल दें जिसमें दूध और जल है। उसमें डालने के बाद जो पीपल का पत्ता है उस पीपल के पत्ते को सीधे हाथ पे रखें और बोलें, हे पिपलेश्वर महादेव, हमारे घर में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करें। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शनिदेव का कोई भी प्रभाव हमारे घर में आ गया है तो उसको आप समाप्त करें, क्योंकि अगर किसी को शनिदेव से जुड़ी समस्या है तो भगवान भोलेनाथ जो शरण में चले जाते हैं उनकी जो समस्याएं शनिदेव से जुड़ी हुई होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। और जो पीपल का पत्ता है वो भगवान पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उस पर समर्पित कर देना है, यानी शिवलिंग पे समर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको जो लोटा जल लेकर गए हैं, दूध लेकर गए हैं, वो जल और दूध आपको भगवान भोलेनाथ पर जो पीपल का पत्ता आपने समर्पित किया है उसको टच करते हुए भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करना है, यानी अभिषेक करना है। पीपल के पत्ते पर डालना है, उसके ऊपर से ही भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर वो जो दूध और जल का अभिषेक है वो चला जाएगा और जो काले तिल है वो भगवान भोलेनाथ पर समर्पित हो जाएंगे। दूध और जो जल है इससे आपके घर में धन की प्राप्ति होगी और जो काले तिल हैं इससे आपके घर में शनि दोष से जुड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये उपाय समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं ऐसा लगे कि कोई शब्द आपके समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको आने हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नीचे कमेंट पे एक बार मेरे साथ सच्चे मन से सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, बोले ओम नमः शिवाय और कमेंट में भी लिखें ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।